हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी एकेडमी और मैं हूं आप सबकी दोस्त इंदु चौहान। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन के बारे में। इस डॉक्ट्राइन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं एक सीरीज़ अपलोड करूँगी यूट्यूब के ऊपर जो कि इन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड होगी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सभी डॉक्ट्राइंस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ केस लॉज। और आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, अब इस डॉक्ट्राइन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ये मैगजीम बताती हूँ जिसके ऊपर ये डॉक्ट्राइन बेस्ड है। अब इस मैगजीम को यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको मैं प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है तो मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगी, पर इसकी स्पेलिंग यहाँ पे एकदम करेक्ट है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इस मैगजीम का मतलब क्या है हम ज़रा वो देख लेते हैं। इस मैगजीम का मतलब क्या है, वॉट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को सीधे तरीके से डायरेक्टली सामने से नहीं कर सकते या आपके ऊपर लिमिटेशन है कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को इनडायरेक्टली भी पीछे से नहीं कर सकते हैं। अब चलो इसके बारे अब ज़रा इस मैगजीन को एक मैं छोटे से और सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने घर के मेन डोर के आगे खड़ी हूँ और कोई पर्सन आ रहा है जिसको मैंने मना कर दिया है कि तुम मेरे घर में गेट से नहीं आओगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो यानी मैंने उसकी जो घर के अंदर एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि सामने के गेट के आने के बजाय, यानी डायरेक्टली सामने से आने के बजाय, वो इनडायरेक्टली क्या तो टेरिस से आता है कि मुझे पता नहीं चले घर में एंट्री लेता है, या फिर वो मान लीजिए एक बैक घर के पीछे की तरफ एक डोर है तो ये उस तरफ से आता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि मैंने उसको डायरेक्टली वहाँ से एंटर करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया, तो वो ये काम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता, यही ये डॉक्ट्राइन कहती है। यानी कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। दिस इज़ वॉट दिस मैगजीम मीन्स, और इसी मैगजीम के ऊपर बेस्ड है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। यहाँ पे वर्ड लेजिस्लेशन यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे बेसिक और मेन बात जो है वो लेजिस्लेशन को लेकर, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर है, लेजिस्लेचर को लेकर है। ठीक है, अब ज़रा इसके ओरिजिन और मीनिंग के ऊपर आते हैं। क्या कह रहा है, द डॉक्ट्राइन मीन्स दैट इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर इन स्पेसिफिक एंट्रीज। अब देखो इस लाइन का स्पेशली सिर्फ इतना मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसने किसी की लेजिस्लेटिव पावर्स को स्पेसिफिक एंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फॉर जैसे कि हम देखें आर्टिकल 246 है, उसमें क्या कह रखा है हम लोगों को कि जैसे कि सेंटर है वो लॉज बनाएगी यूनियन लिस्ट को लेकर। ठीक है, स्टेट जो है वो लॉज बनाएगी स्टेट लिस्ट को लेकर, और यूनियन स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं, यानी मिलकर यानी कि दोनों ही लॉज बना सकते हैं अबाउट दी कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर। तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि तुम इन एंट्रीज पे लॉज बनाओगे, तुम इन एंट्रीज पे लॉज बनाओगे और तुम इन एंट्रीज पे लॉज बनाओगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो तीन टायर्स पे बेस्ड है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर्स को भी क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यानी लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है कि वो लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव के क्या पावर है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी, एग्जीक्यूट करवाएगी, जुडिशरी के पास पावर क्या है कि वो कोई भी अगर केस होता है या उसके ऊपर कोई भी जजमेंट देना होता है, कुछ गलत हो रहा होता है तो वो उस पर अपना जजमेंट देगी। तो क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने क्या कर रखा है, इनको भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अब क्या होता है जब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, लॉज बनाने की, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, एक लिमिटेड अथॉरिटी है कि आप इन्हीं पर्टिकुलर एंट्रीज पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर केस है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, क्या वो जो लॉ है, वो जो स्टैट्यूट है, उसमें लेजिस्लेचर ने अपनी पावर एक्सीड तो नहीं करी, या उन्होंने अल्ट्रा वायरस तो एक्ट नहीं किया है, या उन्होंने अपनी लिमिट्स में ही तो एक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है।
ठीक है, यानी कि और जहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है, जहाँ पे एक बैलेंस का क्वेश्चन अराइज होता है, यानी कि क्या होता है कि इन तीनों टायर्स, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इन तीनों टायर्स को, इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को क्या होता है, अपने बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है। फिर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो इनको भी अपने बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है। और जब लेजिस्लेचर उस बैलेंस को अपनी तरफ खींचने लगती है, कि वो खुद अपनी तरीके से काम करने लगती है, अपनी पावर्स को एक्सीड करने लगती है, अपनी लिमिटेशंस को एक्सीड करने लगती है, तब ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आता है और ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। व्हेन एवर लेजिस्लेचर ट्राइज टू रिलोकेट दिस बैलेंस ऑफ पावर टूवर्ड्स इट सेल्फ, द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कम्स टू एन इफेक्ट टू प्ले एंड टेक केयर ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तभी ये डॉक्ट्राइन आती है ताकि वो लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी कर सके, उनकी देख रेख कर सके, उनकी टेक केयर कर सके। ठीक है, अब बेसिक मतलब आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्लेचर का समझ में आ गया है। सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आप जो चीज़ डायरेक्टली नहीं करेंगे, उसको इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर पावर दी गई है, तो आप उसी पे लॉज बनाइए, अगर नहीं दी गई है तो इनडायरेक्टली उस पे लॉज नहीं बन सकते। ठीक है, सो अब हम इस डॉक्ट्राइन का मतलब देख चुके हैं। हम देखते हैं इस डॉक्ट्राइन और कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करके कि ये क्या है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिस डॉक्ट्राइन इज़ यूजुअली रेफर इन आर्टिकल 246, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो डॉक्ट्राइन है वो 246 पे बेस्ड, मतलब कि उसके अंदर बेस्ड है, विच इज़ डिमार्केटेड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय आउटलाइनिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स अंडर द लिस्ट 1 फॉर द यूनियन, लिस्ट 2 फॉर द स्टेट, लिस्ट 3 फॉर द बोथ एज मेंशन इन 7th स्केड्यूल। यानी कि आर्टिकल 246 क्या कहता है, इन्होंने बाइफर्केट कर दिया है कि लिस्ट 1 यानी कि यूनियन लिस्ट के ऊपर हमारा सेंट्रल लॉज बनाएगा, लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लॉज बनाएगा, और लिस्ट जो 3 है उस पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं, जो कि 7th स्केड्यूल में वो जो लिस्ट हैं वो मेंशन है। ठीक है, वो एंट्रीज जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, नाउ दिस डॉक्ट्राइन कम्स इनटू प्ले व्हेन लेजिस्लेचर डज नॉट पोजेस द पावर टू मेक लॉ अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट नन द लेस इज डायरेक्टली मेक्स वन। वही जो मैंने आपको बताया कि जब लेजिस्लेचर के पास किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी मैटर को लेकर पावर नहीं है लॉज बनाने की, लेकिन इनडायरेक्टली वो बना देती है, जो ऊपर से तो ऐसे लगते हैं कि हाँ लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, लेकिन अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करें, अंदर तक डिस्कस करें, यानी कि उसको ढंग से देखें, तो ये नज़र आता है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है कि वो लॉ बनाए। तब ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आती है और ये कहती है कि आप अपनी किसी भी चीज़ को इनडायरेक्टली एक डिफरेंट कलर में पोर्ट्रे करके उस पर लॉ नहीं बना सकते हैं टू प्रूव कि आप तो सही हैं, यानी कि आपने जो लॉज बनाए वो करेक्ट हैं। ऐसा नहीं होगा, आप जो चीज़ सही से नहीं कर सकते, आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। केस का नाम क्या है, द केसी गजापति नारायण दियो एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब इस केस के अंदर क्या किया, एक डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने यही बात कही, सबसे पहली तो बात यही कही कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर की सबकी लिमिट्स को डिफाइन कर रखा है, उनको लिमिटेशन लगा रखी है उनकी पावर्स के ऊपर, और वो अपनी पावर्स को एक्सीड करते हैं या फिर वो अल्ट्रा वायरस एक्ट करते हैं, तो सच ट्रांसग्रेशन, अब ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, यानी कि मान लो कोई लॉ है और आपने वो तोड़ दिया, तो आपने उस चीज़ का उल्लंघन किया है, तो ऐसे उल्लंघन जो कि पेटेंट, मैनिफेस्ट और डायरेक्ट, यानी कि जो सीधे तरीके से या मैनिफेस्ट तरीके से होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वैसे ही ट्रांसग्रेशन वो डिसगाइज भी हो सकते हैं, कवर्ड भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं।
ठीक है, यानी कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि लेजिस्लेचर की पावर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की पावर हो या फिर जुडिशरी की पावर हो, सबकी पावर्स को लिमिटेड कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और जहाँ कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट या लॉ बनता है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को एक्सीड किया, क्या उन लिमिटेशंस को ब्रेक किया, और या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, यानी ऐसा कोई उल्लंघन किया है। तो ऐसे ट्रांसग्रेशन अगर डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे ट्रांसग्रेशंस इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। एंड इट इज़ टू डू दिस लेटर द क्लास ऑफ केसेस दैट द एक्सप्रेशन कलरेबल लेजिस्लेशन हैज बीन अप्लाइड। अब अगर वो चीज़ इनडायरेक्टली करते हैं, यानी कि उन्होंने उल्लंघन को डायरेक्टली ना करने की बजाय इनडायरेक्टली किया, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आता है और ये कहा जाता है कि आप दूसरे कलर में, यानी कि दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली इस चीज़ को, इस पे लॉ नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्लेशन कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इसीलिए इस डॉक्ट्राइन को हमने काफ़ी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर क्या किया है, हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, सो बेसिकली इस केस के अंदर क्या कहा था, कलरेबल लेजिस्लेशन को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि जहाँ पे भी पावर्स लिमिटेड हैं लेजिस्लेचर की, लेकिन लेजिस्लेचर है उस चीज़ को ब्रेक करती है, अपनी पावर्स को एक्सीड करती है या फिर अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है, तो ऐसे उल्लंघन जहाँ पे डायरेक्टली वो नहीं कर सकती, जहाँ पे वो ऐसे ट्रांसग्रेशंस यानी उल्लंघनों को सीधे तरीके से नहीं करती लेकिन उन्हें उल्टे तरीके से करती है, तब डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एप्लीकेबल होगा और वहाँ पे ये कहा जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी केस से कोर्ट ने क्या आइडिया कन्वे करने की कोशिश करी है, वो ये कहा है द एक्सप्रेशन दैट ऑल दो अपेरेंटली अ लेजिस्लेचर इज पासिंग अ स्टैट्यूट पर्पोटेड टू एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स पावर बट येट द सब्सटेंस एंड इट्स रियलिटी इज ट्रांसग्रेस। यानी कि लेजिस्लेचर ने कोई स्टैट्यूट पास किया है जो लग तो रहा है कि वो उसकी पावर्स के अंदर ही है, उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही है, लेकिन जो उसका सब्सटेंस रियलिटी में है वो उसकी लिमिटेशन या उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं है। और इसी जो ट्रांसग्रेशन है, यानी कि जो ऐसे उल्लंघन है, ठीक है, अगर हम उनको एग्जामिन करते हैं तो वो इनडायरेक्टली नज़र आते हैं, यानी कि आपने अपनी पावर को इनडायरेक्टली यूज़ किया है। ठीक है, इसी डॉक्ट्राइन को हम फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। MCQs में मोस्टली चीज़ पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब एक और केस आता है, वो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। इस केस के अंदर ये एक ऐसा सिर्फ एकमात्र केस है जहाँ पे कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को अप्लाई करते हुए जो एक्ट है, जो लॉ था, उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया था। ठीक है, इन दिस केस द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 वॉज हेल्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट दो द अपेरेंटली इट इज पर्पोटेड टू ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंपनसेशन येट इन रियालिटी इट डिज नॉट ले डाउन एनी सच प्रिंसिपल एंड दस इनडायरेक्टली सॉट एंड डिप्राइव द पिटिशनर टू द कंपनसेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि जो बिहार लैंड रिफॉर्म था उसे वॉइड डिक्लेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर उसका जो प्रिंसिपल था, जो मेन मकसद था, वो भले ही ये था कि जो कंपनसेशन है उसको डिटरमाइन कर रहा था, लेकिन इन रियलिटी उसके प्रिंसिपल्स इनडायरेक्टली जो पिटिशनर है उसे कंपनसेशन लेने से रोक रहे थे। इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को अप्लाई किया गया और एक्ट को, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है, सो दीज टू केसेस आई थिंक सो मोर देन इनफ फॉर द कलरेबल डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब हम बात करते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन डॉक्ट्राइन को लेकर कुछ लिमिटेशंस की, इसको लेकर जो जो लिमिटेशंस हैं वो ज़रा देखते हैं। पहली, दैट इट डज नॉट अप्लाई इन द एरियाज वेयर लेजिस्लेचर पावर इज अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी कि ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं उन्हें, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पावर्स पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे हैं तो ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंडली, इट डज नॉट अप्लाई टू द केसेस विद द सबॉर्डिनेट लॉज। जो सबॉर्डिनेट लॉज होते हैं उनको लेकर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बात करते हैं द लेजिस्लेचर
पर्पज व्हेन पासिंग अ लॉ इज इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेसी। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर का जो पर्पज है वो लॉ को पास करने का वो इररिलेवेंट है, तो भी ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसकी लेजिटिमेसी को डिटरमाइन करने के लिए आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। देन लास्टली क्या है, देर इज़ अ विल ऑलवेज बी अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमेशा जब कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा, लेकिन जिस भी लॉ को लेकर ये देखा जाएगा, तो पहले यही माना जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में ही प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि जो लॉ है वो सही है, लेजिस्लेचर के पास पावर है टू मेक लॉ। सो दिस इज़ इट फॉर द लिमिटेशंस। चार लिमिटेशंस हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें पर्टिकुलरली डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के अंदर आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, दैट इज़ आपको इसका मतलब, मेन मतलब पता होना चाहिए, दैट इज़ द मीनिंग क्या है। फिर कौन से जजमेंट के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। और आई थिंक सो दो जो जजमेंट्स होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं फॉर एन डॉक्ट्राइन, अगर वो एक नॉर्मल डॉक्ट्राइन, एक सिंपल डॉक्ट्राइन है, क्योंकि इसमें बनेगा तो छोटा क्वेश्चन बनेगा। हमेशा इतने ही हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि आप एग्जाम में उस पर्टिकुलर जो स्पेस होता है आपका मेंस का, उसमें लिख सकें और आपको उतना याद भी कर सकें। बहुत सारी चीज़ें लिखने से मतलब नहीं है, ना आप याद कर सकते हैं, और याद भी कर लेंगे तो आप उस स्पेस के अंदर उतनी सारी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो और आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं पसंद करते हैं तो मैंने शुरू के अंदर अपनी आईडी लिखी थी, इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज़ जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज। आप मुझे उसके ऊपर DM कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो बहुत सिंपल से काम है और कुछ सेकेंड लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है या बुरा पढ़ाया है तो भी बता दीजिए। अगर मुझे किसी तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी बता दीजिए। अपने सजेशंस आप खुल के रख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा चैनल को, एक सेकेंड लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डॉक्टर के साथ। बाय बाय।